चलो फाइनली चलाते हैं 1,30,00,000 की गाड़ी पहली बार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है संडे, पीयूष कुनाली के स्कूल की छुट्टी है, तो फिलहाल मस्त नहा धो के रेडी होंगे, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं एडवेंचर पे। मेरे एक फ्रेंड आए हैं दिल्ली से, जिनके पास है मस्त 1,30,00,000 की गाड़ी। तो गैस करो कौन सी गाड़ी आज वो गाड़ी चलाएंगे, फर्स्ट टाइम ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी फिलहाल निकलते हैं जल्दी से, पीयूष और मैं जाएंगे कुनाली को, क्योंकि कुनाली छोटा है ना, कुनाली का एडवेंचर पे जंगल वगैरह हम नहीं ले आते, सिर्फ पीयूष, मैं, बोविया और मेरे फ्रेंड, तो हम चार जने जाएंगे आई थिंक। गाइस पीयूष का बहुत फायदा हो जाता है, पीयूष के पैर से है ना, तो मेरे जिधर आ रहे थे देखो। कुनाली आप नहीं आ रहे? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों को एडवेंचर में ले जाना मना है। मना है? अच्छा, गुड बॉय। अभी तो फॉर्च्यूनर में चलते हैं। फाइनली मिल चुके हैं भैया, हाय, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। तो पीयूष से पहली बार मिल रहे हो ना? पीयूष सर पहली बार। कांग्रेचुलेशन, भगवान करे ऐसे 100 गाड़ियां और ले लो यार, ये तो भाई खतरनाक ही लग रही है भाई। तो गाइस ये है वो गाड़ी जिसकी हम बात कर रहे थे, 1,30,00,000 की। भाई लुक देखो कितना मस्त है इसका, अंदर बैठ के देखते हैं। फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ मैं डिफेंडर के अंदर, भाई अंदर से भी नेक्स्ट लेवल है। देखो पूरी इसकी स्क्रीन देखो कितनी प्यारी है। ले भाई फ्रीजर भी है। हाँ फ्रीजर है ये। ओ भाई वही तो ठंडा हो रखा है पूरा। कैसा लग रहा है बैठ के? तो भी गाइस वो भी अभी आ गए, तो भी गाइस मस्त डिफेंडर को लेकर निकल गए और वो भी अभी साथ में, और आज भाई को लेके चलते हैं मस्त जंगल में। ये देखो सामने जंगल दिख रहा है ना, जंगल में घुसाते हैं इस गाड़ी को भाई, बिल्कुल नई गाड़ी है, इसको जंगल में घुसाते हैं। लेकिन यार इतनी ऊंची है, ऑफ रोडिंग के लिए है, तो यूज तो करेंगे ना, और मैं भी चलाऊंगा, देखते हैं भाई कैसा लगता है चला के। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ 1,00,00,000 गाड़ी चलाने के लिए। तो भी गाइस एंटर करने वाले जंगल में, यहाँ बैरिकेड है, तो यहाँ पे पर्ची कटवाते हैं। तो यहाँ पर्ची कटवा ली हमने जंगल में घुसने के लिए। ये आपकी गाड़ी की पर्ची है। अब हम ना इस पर्ची से किसी भी गेट में किसी भी जंगल के अंदर घुस सकते हैं, कहीं भी चले जाओ, खाली ये दिखानी है बस। तो गाइस यहाँ पे एक और बैरिकेड आ गया, देखना है यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी। निकल जाएगी, ए रुक रुक रुक, निकल गई निकल गई। मेरा दिल आ गया इस पे यार, कहीं फॉर्च्यूनर बेच के मैं ले ना लूं। हैं बेच के नहीं, वो पीछे से देख, पीछे से अलग ही लुक है इसका, वो पीछे से देख। हां ये देखो भाई। तो गाइस मैं ड्रोन उड़ाऊंगा और अज्जू भाई चलाएंगे। गाड़ी चल रही है और पूरा सामने ड्रोन, पूरा एक बिंदु ऐसा। यहाँ से आ चुके हैं फिर से ये दो पिलर, तो इसके बीच में से हमको गाड़ी निकालनी पड़ेगी। ये देखो गाड़ी निकल जाएगी। ले आओ ले आओ। गाइस इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ से निकल ही नहीं, देखो भाई ये टायर टच हो गया यहाँ पे। गाइस वहाँ से फॉर्च्यूनर भी निकल जाती है, थार भी निकल जाती है, कैरावैन भी निकल जाती है, लेकिन डिफेंडर नहीं निकल पाई। भाई क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो गाइस चलो अब मैं चलाता हूँ। चलो फाइनली चलाते हैं 1,30,00,000 की गाड़ी पहली बार। तो गाइस आ चुके हैं ड्राइविंग सीट पे। ओ भाई इसमें तो फील नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा बैटरी चला रहा है ना। हाँ ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी है। सीधा ऑफ रोडिंग में चला रहा हूँ, इधर हमारे पानी है, पता ही नहीं चल रहा इसमें तो। इसको कितनी भी ऑफ रोडिंग में ले जाओ, कितने भी गड्ढों में ले जाओ, फील नहीं हो रहा, गड्ढे वड्ढे कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो चलो मैंने चला ली भाई, मेरा एक्सपीरियंस काफी मस्त था। सबसे मेन तो इसका जो आगे का लुक है ना, जो गोल गोल लाइट है, देखो कितनी मस्त लग रही है इसकी। गाइस मैंने तो थोड़ी सी चलाई भाई, मुझे डर लगता है इतनी बड़ी गाड़ी है ना, तो हाँ डर लगता है भाई। तो गाइस अभी हम गाड़ी लेके आ गए बिल्कुल एंड में, देखो यहाँ पे रोड खत्म है, यहाँ सिर्फ पानी पानी। तो भैया कैसा लग रहा है आपको रोड के एंड तक ले आए, पूरा पानी पानी? अमेजिंग भाई। बोट में 3 बाइक्स रखी हुई है और लकड़ियां भी रखी हुई है और इतने सारे लोग भी है एक ही बोट में। ये लोग आ रहे वहां से, वहां सामने देखो गाँव दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पानी भर गया ना। वैसे गांव में जाने का ना रास्ता यहाँ से था, बट पानी भर गया तो अब इनको बोट से आना पड़ता है, बिना बोट के आ ही नहीं सकते, बिकॉज ये बहुत गहरा है। हम यहाँ से एक बार गए भी थे, यहाँ से पैदल जा सकते हैं, पूरा ग्रासलैंड था यहाँ से पूरा। तो यहाँ पे गांव वालों को दिक्कत होती है इस तरह से, बोट से ही आना पड़ता है, चाहे बाइक ले आनी हो, चाहे कुछ भी सामान ले आना हो, चाहे लकड़ियाँ कुछ भी। तो अब देखो गाइस ये लोग पहुँच गए रोड तक, तो अब यहाँ पे आएंगे तो बाइक उतारेंगे, सारा सामान उतारेंगे यहाँ से, फिर जाएंगे यहाँ से। यहाँ से रोड है, कितना स्ट्रगल करके जाना पड़ता है इनको गाँव से। पहुँच गए किनारे पे, ये देखो भाई लकड़ियाँ देखो कितनी सारी लकड़ियाँ। गाइज इस गाड़ी में ना दो इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक देखो एक तो ये पता है क्या है, ये सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के, क्योंकि बहुत ऊंची गाड़ी है ना। और एक और चीज़ पीछे बताऊँ मेरे को, ये गाड़ी ऊपर नीचे होती है, हाँ खुलती है। ये देखो भाई ये देखो चढ़ गया पीयूष भाई, इसकी हाइट देखो कम ज़्यादा हो रही है। ओ भाई ऑफ रोडिंग के लिए ऊपर कर भाई और नीचे, सही है। ऑफ रोडिंग में जाना हो तो बिल्कुल ऊंची कर दो, और अगर हाईवे पे चलना हो तो कम कर दो। गाइस देखो एक और बोट आ गई है, तो पूरे गांव वाले ऐसे ही ट्रैवल करते हैं बोट से, बिकॉज रोड तो है नहीं। गाइस एक और बोट आ गई, इसमें देखो साइकिल है, 3 साइकिल।
18 साल का होने के बाद पीयूष जरूर लेगा। फिर मैं यहाँ बैठूंगा, आप वहाँ बैठना, ठीक है? हाँ, पीयूष चलानी भी सीख जाएगा ना, फिर देखते कौन सी गाड़ी लेगा। यही लेगा क्या? लेगा तो लग्जरी ना, अब तो फॉर्चुनर कहाँ पूछेगा फॉर्चुनर को। तू जब 18 साल का हो जाएगा तो कौन सी लेगा? रेंज रोवर लेगा। भाई देखना गाइस, देखना कितने साल का अभी है, 12-13 साल का है। उसके बाद लूंगा एक, भाई कह रहा है रेंज रोवर लूंगा, चला के दिखा दूंगा मैं अभी आपको, पता है? नहीं दिखानी ना, हम जेल चले जाएंगे। वो अलग बात है, लेकिन मैं चला के दिखा दूंगा, मेरे को चाबी मिल गई। तो चलो गाइस, जब चलते हैं यहाँ से पता ही नहीं चला भाई कितना टाइम निकल गया यहाँ पे, और देखो सनसेट भी होने ही वाला है। अरे आओ पीछे। तो अभी गाइस डिफेंडर को ले घर पे आ गए भाई, सोसाइटी में लफंडर इन डिफेंडर। तो फिलहाल अभी आए घर पे चाय पीने के लिए, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं हम फार्म हाउस पे। तो आज रात को हम फार्म हाउस पे ही खाना वाना बनाएंगे, मस्त वहीं रहेंगे। मैं भी आऊंगा फार्म हाउस। जब आप बड़े हो जाओगे ना तब घूमना हमारे साथ। जब बड़े हो जाओगे आपको जंगल भी ले जाएंगे, एडवेंचर भी ले जाएंगे, सब जगह ले जाएंगे, ठीक है? अभी नहीं। तो सब कुछ छोटे तो हो आप, कैसे ले जाऊंगा? कुछ नहीं होता। तो गाइस चाय वाय पी लिया, आप चलते हैं। कंबल और बैग वगैरह लेके जा रहा हूँ, लैपटॉप वगैरह की एडिटिंग कर लेंगे ना, शायद रात को वहीं रुक सकते हैं, तो कंबल ले जाते हैं ना। तो भी गाइस बोबिया के फार्म हाउस पे पहुंच गए और पीछे आग जला दी, यहाँ पे कुर्सी वर्सी लगा दी है, और देखो भाई उधर। तो गाइस खाना बनाने के लिए हम सामान ले आए हैं, ये आटा, दूध, आलू, कॉफी, तेल, पानी 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 बहुत सारा लेके आए हैं। तो बोबी भाई खुद अपने हाथों से खाना बनाएंगे आज। बोबी के हाथों खाना बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पे देखो बोबी भाई ने खाना बना दिया भाई, यहाँ पे चावल सब्जी वब्जी सब बना दिया, दो सब्जी बना दी, चावल रोटी बनाएंगे। देखो अकेले ने भाई सब्जी वब्जी काट दी है, सलाद काट दिया हमें, मस्त गाइज। बोबी भाई तो खाना बना रहे थे, मैं एडिटिंग कर रहा था यहीं फार्म हाउस में। गाइज रात के 10 बज चुके हैं, मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। तो बोबी भाई के फार्म हाउस पे ना यहाँ पे रूम भी है, देखो दो, एक नीचे एक ऊपर, तो मैं ऊपर आ गया था एडिटिंग करने के लिए अकेले में। तो भी गाइज रात के 12 बजने वाले हैं और पीयूष सो चुका है भाई, देखो यहीं पे सो चुका है, तो इसको अंदर रख देते हैं। अब ये देखो सो चुका है। हाँ यहाँ लास्ट में सुला दो। पीयूष तो सो गया। तो भी गाइस रात के 3:30 बज चुके हैं, फिलहाल मैं भी सोता हूँ। पीयूष तो पहले ही सो गया था, खाना पीना खा लिया था हमने। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस अभी मैं चला रहा हूँ डिफेंडर, 1 लाख, 1 लाख कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ।